चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, आजम खान, राम गोपाल भी राष्ट्रीय महासचिव बने। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव बने। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज भी राष्ट्रीय महासचिव बने। पार्टी नेताओं को मिले राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और सदस्य के पद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, आजम खान, राम गोपाल भी राष्ट्रीय महासचिव बने। बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य का कद यहाँ पर बढ़ाया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव बने। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज भी राष्ट्रीय महासचिव बने। पार्टी नेताओं को मिले राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, सदस्य पद। बड़ी खबर आपको बताए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लिस्ट जारी हो गई है, कार्यकारिणी की सूची सपा द्वारा जारी कर दी गई है। किन किन लोगों के क्या क्या पद है इस लिस्ट में, सब कुछ लिखा है। तो बता दें कि शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, आजम खान, राम गोपाल को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड वकास वारसी मसद जुड़ चुके हैं। वकास, सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। जी, मैं एमकेएन के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये कार्यकारिणी एक आम कार्यकारिणी नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस कार्यकारिणी का दरअसल कई अलग अलग पहलुओं से इंतजार चल रहा था। हमने देखा 2017 से जो लड़ाई समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की चली, और उस लड़ाई में लोगों का कहना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानना है कि तीन चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव और बीच के जो उपचुनाव रहे आजमगढ़ के, धर्मेंद्र यादव जहां लड़े, ऐसे कई चुनाव माने जा रहे थे जो शिवपाल सिंह यादव और परिवार एक ना होने की वजह से समाजवादी पार्टी को बार बार हार मिली। और इस लिस्ट में जैसे उनके एक दूसरे बड़े चाचा जो हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा जो दिल्ली रहते हैं, वो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ये पहली ऐसी कार्यकारिणी है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट में कई सारे महासचिव, ये पहली दफा हुआ है कि राष्ट्रीय महासचिव के मैं गिन सकता हूँ कि करीब 12 से 13 बल्कि 14 लोग जो है वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पे, जिसमें शिवपाल सिंह यादव को जो पद दिया गया है पार्टी में उसी भूमिका में, 12 से 14 सीनियर नेताओं को उसी पद पे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो आजकल उत्तर प्रदेश और देश में सुर्खियों में बने हुए हैं रामचरितमानस पे विवादित बयान देके, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। जी, तो काफी बड़े बड़े पद दिए गए हैं यहाँ पे, बात करें शिवपाल यादव की और राम गोपाल की, तो अब क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि किस प्रकार से आगे और काम होगा पार्टी में? देखिए, प्रमुख तौर पे जैसे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, उन्होंने किरणमय नंदा जो बंगाल से संबंध रखते हैं और उत्तर प्रदेश में उनके साथ अक्सर दिखा करते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अपने चाचा जो दिल्ली का सारा मैनेजमेंट प्रोफेसर राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट किंग कहे जाते हैं, माने जाने जाते हैं राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। और उसके बाद 14-15 लोगों को एक सामान्य पद है जो जिसमें सबसे प्रमुखता पे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता मोहम्मद आजम खान का नाम है राष्ट्रीय महासचिव में, उनके ठीक बाद शिवपाल सिंह यादव का नाम है राष्ट्रीय महासचिव में, और फिर समाजवादी पार्टी ने आप देख सकते हैं बहुत उससे कि अपने कुर्मी वोट बैंक को, रवि प्रकाश वर्मा को कुर्मियों से रखा है, विशंबर प्रसाद निषाद ये पूर्व सांसद हैं इनको भी राष्ट्रीय महासचिव में रखा है, अवधेश प्रसाद अयोध्या के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, और पिछड़े वर्ग से आते हैं ये भी, अवधेश प्रसाद 7 बार के 8 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं ये भी। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर के क्षेत्र से आते हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, इनको भी राष्ट्रीय महासचिव। इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने एक सीधा संदेश दिया है कि शिवपाल सिंह यादव के कद के उनके पास 13-14 नेता हैं। जी, यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है
कद बढ़ाया गया है, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के, देखिए मैं आपको बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कद के जो मायने हैं वो भी ऐसे समय पे जब वो विवादों से उनका बहुत ज्यादा जो है विवादों से नाता जुड़ा है, जो जैसे कई आपने हमने एमके न्यूज ने चलाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारे रामचरितमानस पे जो सवाल उठाए, तो कई सारे धर्म गुरुओं ने और धार्मिक संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रखा था। और उसी एकदम गर्म समय पे अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ये हिम्मत दिखाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना बड़ा पद और कद पार्टी के अंदर इस समय देने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस समय पूरे मूड में है कि 2024 के लोकसभा आम चुनाव से पहले वो अगड़ा बनाम पिछड़े का जो राजनीतिक कार्ड है उसको खुल के खेलेंगे। ये तो कुल जमा हम कह सकते हैं कि सपा अपनी पूरी पुरजोर तैयारियों पर जुट चुकी है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से हमने आपको बताई, जहां सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है, वहीं आजम खान, राम गोपाल भी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद यहाँ पर बढ़ाया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। वहीं बात करें लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज भी राष्ट्रीय महासचिव की सूची में उनका नाम आया है। इसी के साथ पार्टी नेताओं को और राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, सदस्य अलग अलग पदों में बांटा गया है। सूची आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हर एक के नाम के आगे अपने अपने पद यहाँ पर लिखे हैं।